अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेकअप की बहुत 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 सारी चीज़ें जो आपको देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी और बिल्कुल ये अफोर्डेबल हैं प्राइस में और बहुत ही कम है ये प्राइस में और ये होलसेल के रेट्स पे होती हैं और आप किसी भी शॉप पे जा लो और ब्रांड की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं लेकिन उनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होती है जो हम लोग सिर्फ देख सकते हैं लेकिन लेने से मजबूर होते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, आप ख़रीद भी सकते हो और इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो मैं आई हूँ झेलम की एक शॉप पे जो नेम कॉस्मेटिक के नाम से मशहूर है और ये होलसेल पे चीज़ें देते हैं और इनके पास मेकअप की हर एक चीज़ है और ये उसी तरह काम करती है जिस तरह आप किसी ब्रांड की चीज़ को यूज़ कर लो। तो फिर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। ये पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ वाटरप्रूफ आई शेड्स। ये सारे आई शेड्स जो हैं ये वाटरप्रूफ हैं और उसके बाद मैं ये आपको दिखाने जा रही हूँ स्टिक्स। इसको फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो आप और ये टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रखी जाती हैं। आप अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी कलर मैच कर लो और उसके बाद आप इसको ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पे सारे कलर्स मौजूद हैं आपकी स्किन के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे वो आप ख़रीद लो। और उसके बाद मैं कलर रश की यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ लिप पेंसिल और ये 150 की प्राइस में मिलती है पेंसिल और बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल मैट लुक देती है। हर कलर इसमें मौजूद है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो और एटलीस्ट आप अगर लिपस्टिक नहीं लगा रहे तो सिर्फ यही लिप पेंसिल यूज़ करेंगे तो आप जो है आपको लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वाइट पेंसिल भी है इसमें और उसके बाद ये एसटी की फाउंडेशन है, मतलब आप इसको एज अ स्टिक भी यूज़ करो, फाउंडेशन यूज़ करो या फिर वाटरप्रूफ मेकअप की तरह यूज़ करो, ये यूज़ हो जाती है। और ये मैंने आपको आई शेड्स दिखाए हैं जिनमें शिमर भी मौजूद है, ये वाटरप्रूफ आई शेड्स, सब कलर इसमें है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, ये सारे इन हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लिटर्स पे, तो ये ग्लिटर्स में आपको सब कलर मौजूद हैं और ये ग्लिटर्स आपको 150 की प्राइस में मिलेंगे। ग्लिटर्स भी अच्छे दिख रहे थे और लगाने में भी इनका वैसा ही रिजल्ट है जैसा आप कोई ब्रांड लगा रहे हो, चाहे आप काशिश का ब्रांड लगा रहे हो, थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है लेकिन ये ग्लिटर्स जो हैं चलेंगे और बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली जो पॉलर्स वाली होती हैं वो यही ग्लिटर्स यूज़ करती हैं, बस एक नाम दिया होता है जी हम काशिश का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या ब्रांड रखे हुए थे। और उसके बाद मिस रोज़ के ग्लिटर्स हैं, मिस रोज़ में आपको बहुत सारे आई शेड्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग कंटोरिंग आई शेड्स और ब्लश वगैरह सब कुछ होता है। मिस रोज़ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकती हैं और उसके बाद फिटमी की है, फाउंडेशंस हैं, बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। ये फिटमी के फाउंडेशन मुझे बहुत ही पसंद है और इसके बाद आपको कंसीलर्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे कंसीलर्स भी बहुत सारे हैं। और उसके बाद जी आपको ये लिपस्टिक की शेड में भी कंसीलर यहाँ पे मिलते हैं, पेंसिल में भी मिलते हैं कंसीलर, बस इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए तो जो है आप हर चीज़ यूज़ कर सकते हो। और ये यहाँ पे प्राइमर भी है और ये प्राइमर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छा काम करता है। और यहाँ आईब्रोज़ के लिए भी है, सब कुछ यहाँ पे है, हर प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है, सारे ब्रांड यहाँ पे हैं। सिर्फ ऐसा काम जो आपको पसंद हो, ऐसी चीज़ जो आप ख़रीदना चाहते हो वो आप ख़रीदो और इसको यूज़ करके देखो, आपको अच्छे मिलेंगे रिजल्ट्स इसके। ये एसकीटी की फाउंडेशन मुझे अच्छी लगी थी तो इसको मैंने ख़रीदा और ये मुझे मिली थी 600 में। इसके बाद मैं आपको एक और ग्लिटर बताती हूँ जो आप आईज़ पे यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, शाइनर्स मिल जाएंगे और उसके बाद आपको ग्लिटर्स भी मिलेंगे। यहाँ पे सब कुछ है, मिस रोज़ में स्पेशली सारा कुछ यहाँ पे मौजूद होता है और यहाँ पे ज़्यादा जो ब्लशर्स और आई शेड्स किट्स वगैरह मिलती हैं वो मिस रोज़ में ही मिलती हैं और यूज़ भी ज़्यादा की जाती हैं। और उसके बाद ये देखिए जी आई शेड के लिए यूज़ किए जाते हैं ये ग्लिटर्स,
तो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेकअप कलेक्शन जो मैंने आपको दिखाई है ये भी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, किसी न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।